नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एसएससी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के 700 प्लस क्वेश्चन का नेक्स्ट भाग लाया हूँ, जो कि एसएससी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे फेसबुक टेलीग्राम पेज एंड फेसबुक पेज पर पा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा है आयरलैंड का संविधान, चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर इसके राइट आंसर बात की जाए, इसका राइट आंसर है फोर्थ, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर इसकी डिटेल की बात करें, इसका डिटेल है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के मुख्य उपबंध निम्नलिखित थे, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वय शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस प्रकार 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसका पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकेंड ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थर्ड ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, फोर्थ है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। अगर इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है सेकेंड, यानी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसका डिटेल देखते हैं, कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस के चुने गए और 73 मुस्लिम लीग के, शेष स्थान खाली रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है के एम मुंशी, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ है अबुल कलाम आज़ाद। अगर इसके राइट आंसर बात की जाए, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी महात्मा गांधी। इसका डिटेल दिया जाए तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। संविधान सभा के अन्य सदस्यों में कांग्रेसी सदस्य पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जे वी कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। अगर इसके ऑप्शन की बात करिए, इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है सर बी एन राव, फोर्थ ऑप्शन है श्री के एम मुंशी। अगर इसके राइट आंसर बात किया जाए, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी सर बी एन राव। इसका डिटेल देख लेते हैं, भारत के संविधान सभा का प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। संविधान में प्रथम प्रारूपण के पश्चात अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी एन राव को विश्व के प्रमुख देशों के संविधान शास्त्रियों से विचार विमर्श करने हेतु अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। इसके ऑप्शन की बात कीजिए, पहला ऑप्शन है मुरारजी देसाई, सेकेंड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, फोर्थ ऑप्शन है देवीलाल। अगर इसके राइट आंसर की बात किया जाए, इसका राइट आंसर है सेकेंड, यानी वल्लभ भाई पटेल। इसका डिटेल देखते हैं, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक मान्यता नहीं है। ब्रिटेन में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के साथ लॉर्ड एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत में इस पद का सृजन सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपनाया गया था।
अगर इसके ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सेकंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 को, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, फोर्थ ऑप्शन है 31 दिसंबर 1949 को। इसके राइट आंसर बात की जाए, इसका राइट आंसर है थर्ड यानी 26 नवंबर 1949 को। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। 1949 में अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। इस तारीख को संविधान के प्रारूप की तारीख कहा गया। चलिए नेक्स्ट को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। अगर इसके ऑप्शन बात करें, इसका पहला ऑप्शन है निर्वाचन मंडल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, थर्ड ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, फोर्थ है संसद द्वारा। अगर इसके राइट आंसर बात किया जाए, इसका राइट आंसर है थर्ड यानी संविधान सभा द्वारा। इसका डिटेल देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1949 को संविधान सभा ने विधिवत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो 24 जून 1950 तक रहे। 24 जनवरी 1950 से ही संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना। लोकसभा गठन होने के बाद इन्हें 1952 से 1957 तक पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। बाद में दूसरी लोकसभा काल में 1957 से 1962 तक यह राष्ट्रपति रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अगर इसके ऑप्शन बात करिए, इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है एम ए जिन्ना, फोर्थ ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। अगर इसकी राइट आंसर बात की जाए, इसका राइट आंसर है फर्स्ट यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका डिटेल देख लेते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। अगर इसके ऑप्शन बात की जाए, पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, सेकेंड ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, फोर्थ ऑप्शन है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। अगर इसके राइट आंसर बात की जाए, इसका राइट आंसर है फोर्थ यानी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। अगर इसकी डिटेल बात की जाए, इसका डिटेल है भारत का राष्ट्रीय गान जनगणमन है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं, गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, सेकेंड ऑप्शन है 26 जनवरी 1952 को, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को, फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। अगर इसके राइट आंसर बात कीजिए, इसका राइट आंसर पहला यानी 26 जनवरी 1950 को। इसके डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना भारतीय संविधान के निर्मित होने तथा राष्ट्र के द्वारा अंगीकृत करने की स्पष्ट घोषणा करती है। उद्देशिका के अनुसार संविधान का अंगीकरण 26 नवंबर 1949 के दिन किया गया। इस संबंध में अनुच्छेद 344 घोषणा करता है कि अनुच्छेद 344 5, 6, 7, 8, 9, 60 324 366 389 380 388 391 392 और 393 तुरंत लागू होंगे। शेष सभी उपबंध 26 जनवरी 1950 के दिन प्रवृत्त हुए, जो तारीख भारतीय संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। अगर इसके ऑप्शन बात करें, इसका ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी, थर्ड ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। अगर इसके राइट आंसर की बात कीजिए, इसका राइट आंसर है श्रीमती सरोजनी नायडू।
इसका डिटेल देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 उत्तर प्रदेश थी। वर्ष 1947 से 2015 तक भारत में कुल 21 महिला राज्यपाल हुई। केरल तथा पांडिचेरी में सर्वाधिक बार महिला राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय हृदय और आत्मा किसे कहा है? अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, सेकेंड ऑप्शन है शोषण विरुद्ध अधिकार, थर्ड ऑप्शन है संविधानिक उपचारों का अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है थर्ड, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका डिटेल देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भाग 3 में प्रदत्त मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। मूलाधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार नागरिक और अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह भाग 3 में विहित अधिकार मूलाधिकारों का अभिन्न अंग है। यह अंग ही नहीं बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा और हृदय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अगर इसके ऑप्शन बात करें, इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। अगर इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है सेकेंड, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके डिटेल देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और वे अंत तक अध्यक्ष बने रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? अगर इसके ऑप्शन बात करें, इसका पहला ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, सेकंड है क्रिप्स प्रस्ताव, थर्ड है माउंटबेटन योजना, फोर्थ है मंत्रिमंडली शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अगर इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर है फोर, यानी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना, यानी कैबिनेट मिशन योजना। इसकी डिटेल बात करें, इसका डिटेल है भारत की संविधान सभा मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर इसके ऑप्शन की बात करें, इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है सी राज गोपालाचारी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। अगर इसके राइट आंसर बात किया जाए, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसका डिटेल देख लेते हैं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।